मिश्रा, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। मशहूर फिल्म स्टार और टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर सुनते ही पूरी इंडस्ट्री और उनके फैंस को काफी बड़ा झटका लगा है। इसके साथ ही अब लोग सिद्धार्थ के बारे में जानना चाहते हैं। सिद्धार्थ जितने लविंग और चार्मिंग थे, उनकी कॉन्ट्रोवर्सी भी उतनी ही पॉपुलर रही। बिग बॉस 13 में उनके लड़ाई के चर्चे काफी मशहूर थे। बिग बॉस के घर में सिद्धार्थ शुक्ला का पहला तगड़ा झगड़ा फ्रेशर्स नहीं सीनियर मेंबर्स के बीच हुआ था। सिद्धार्थ शुक्ला और गौहर खान एक टास्क के दौरान एक दूसरे से बुरी तरह उलझ गए थे। सिद्धार्थ इसमें गौहर से कहते हैं कि ये तुम्हारी गलती थी। मामला किसी टास्क का है। टास्क में कंटेस्टेंट्स को सीनियर मेंबर्स को इंप्रेस करना था। सिद्धार्थ इसी दौरान आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा कि उनके लिए सिर्फ ये बात मायने रखती है कि टास्क अच्छे से हो। बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ और आसिम रियाज के बीच खूब झगड़े देखने को मिले। दोनों एक ही घर में दुश्मनों की तरह रहते थे। और अब बिग बॉस 15 भी शुरू हो गया है, लेकिन इस बीच काफी ऐसे सवाल रहे जिनका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। ऐसा ही एक सवाल ये रहा कि बिग बॉस 14 में सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान और गौहर खान जैसे सीनियर्स को बुलाया गया था, पर आसिम रियाज शो का हिस्सा क्यों नहीं बने। बात यह भी चली कि शो के मेकर्स ने आसिम रियाज को बिग बॉस 14 के फिनाले के लिए भी अप्रोच किया, पर वो नहीं पहुंचे। चर्चा ये भी थी कि सिद्धार्थ शुक्ला की वजह से आसिम ने शो से दूरी बना ली थी। कुछ टाइम बाद आसिम ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बताया कि मुझे बस ऐसा नहीं लगा कि मुझे दोबारा वहां जाना चाहिए। हम उस घर में गए, हमने बड़ा मुकाम हासिल किया, अब मैं कुछ और करना चाहता हूँ। सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई की लव स्टोरी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन जब ये दोनों बिग बॉस के घर पहुंचे तो इनके बीच काफी लड़ाइयां देखने को मिली। इन दोनों के बीच इतना झगड़ा बढ़ा कि दोनों एक दूसरे के बारे में निजी खुलासे तक करने लगे थे। हालांकि बिग बॉस 13 के खत्म होने तक इन दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल हो गया था। और शो से निकलने के बाद रश्मि देसाई ने बिग बॉस के घर में सिद्धार्थ और अपने रिश्ते को लेकर बड़ी बात भी बोली। रश्मि देसाई ने एक इंटरव्यू में कई बड़े खुलासे किए थे। इस दौरान उन्होंने बिग बॉस के घर में अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में और घर में रहते हुए सिद्धार्थ शुक्ला के साथ रिश्ते झगड़े पर ढेर सारी बात की थी। रश्मि देसाई ने कहा, सिद्धार्थ शुक्ला मुझसे जिस तरीके से बात करते थे वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सिर्फ मैं ही नहीं, घर की बाकी लड़कियां भी सिद्धार्थ के बारे में ऐसा ही सोचती थी। हमारी सोच कभी एक दूसरे से मेल नहीं खाई। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि इंडस्ट्री का उभरा हुआ सितारा उनके बीच नहीं रहा। साल 2004 में सिद्धार्थ शुक्ला ने टीवी से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। 2008 में वो बाबुल का आंगन छूटे ना सीरियल में दिखे थे, लेकिन उनकी असली पहचान बालिका वधू सीरियल से बनी थी। टीवी इंडस्ट्री का बड़ा नाम सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस 13 के विजेता भी रहे। हाल ही में वो शहनाज गिल के साथ बिग बॉस OTT में भी नजर आए थे। अब सिद्धार्थ के जाने के बाद खास से लेकर आम हर कोई गमहीन है।